हेलो स्टूडेंट्स, मैं वर्ष बारे से और आप सबका स्वागत है सोशल साइंस गुजरात बोर्ड में स्वागत है। चैप्टर हमारा दूसरा ही यहाँ जिसका नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया ट्रेडिशन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। इसके मोस्ट टाइम पे जो अभी की लास्ट 2023 से जो ट्रेंड चेंज हुआ है अलग तरीके से ट्विस्ट करके एकदम अटपटे सवाल जो पूछे जाते हैं जिसमें थिंकिंग बहुत डिमांडिंग होता है, पिक्चर देते हैं उससे जो सवाल पूछते हैं वो सारे हर तरह तरह के जिस तरह से पॉसिबिलिटीज है कि इस तरह के सवाल आ सकते हैं नेक्स्ट बोर्ड अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में वो सारे चुन चुन के यहाँ पे घसीट के लिए आपके लिए लाया हूँ। सारे सवाल 51 ऑब्जेक्टिव्स है और 8 टू मार्कर सवाल है, ठीक है, जो सेक्शन बी में पूछे जाते हैं वो सारा आईएमपी यहाँ पे दूंगा आपको। ये 51 ऑब्जेक्टिव्स यदि आप यहाँ सॉल्व कर लेते हो तो आप मोस्टली सारा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा आपका। तो लेट्स गो बिना बिगाड़े टाइम। विच सिटी इज नोन फॉर जरी वर्क, जरी वर्क के लिए कौन सा सिटी जाना जाता है? देखो बीकानेर है वो इनले के लिए जाना जाता है। किसके लिए? इनले। बीकानेर का कोई नाम ही नहीं है। सूरत जो है वो जरी वर्क के लिए जाना जाता है। जामनगर बांधणी के लिए जाना जाता है। रिवर के लिए कौन सा सिटी जाना जाता है? सूरत। याद रखना बीकानेर इनलेबर्ग। वुडन फर्नीचर, वुडन स्विंग्स ऑफ विच सिटी एंड टॉयस ऑफ विच सिटी इन गुजरात आर वेल नोन। देखो हमारी टेक्स्ट बुक में ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है बट दिस इज द एक्चुअल वन इज इडर और संखेड़ा। तो इडर और संखेड़ा दोनों के साथ साथ में नाम दिए है पर वुडन फर्नीचर और वुडन स्विंग्स जो है वो इडर के नहीं है, वो संखेड़ा के है। राणपुर और खंभा जो है वो अकीक के लिए जाने जाते हैं। के लिए अकीक के लिए वडोदरा आनंद की कोई बात ही नहीं है। तो राइट आंसर है संखेड़ा। यहाँ पे आएगा संखेड़ा और यहाँ पे आया इडर। वुडन फर्नीचर संखेड़ा, वुडन स्विंग्स संखेड़ा और टॉयस किसके जाने जाते हैं? इडर के। ये सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बीकानेर एरिया ऑफ राजस्थान जो है वो पॉपुलर है किस चीज के लिए, कैसे ऑर्नामेंट्स के लिए, कौन से गहने के लिए जाना जाता है? बीकानेर एरिया ऑफ राजस्थान का बीकानेर तीखी सेव के लिए भी जाना जाता है पर जरी के लिए तो सूरत है। इनले वर्क इज द राइट आंसर, मेटल के लिए नहीं। अकीक के लिए तीन सिटी है, सूरत है, खंभात है और राणपुर है। सूरत, खंभर और राणपुर, तो यहाँ पे राइट आंसर है इनले। फिर है वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है? सबको पता है 5 सितंबर है जो वर्ल्ड टीचर्स डे है। 21 जुलाई कोई नहीं है। फर्स्ट में गुजरात एस्टेब्लिशमेंट डे है 21 जून इज वर्ल्ड योगा डे। ऑफ ऑल द आर्ट्स जितने भी आर्ट्स है चैप्टर टू में जो भी आर्ट्स दिखाई गई उसमें से सबसे आगे वाली फॉरमोस्ट आर्ट फ्रंट आर्ट कौन सी है? म्यूजिक ना ना ना, ड्रामा ना ना ना, डांस ना ना ना, पेंटिंग इज द फोरमोस्ट आर्ट ऑफ ऑल आर्ट्स। याद रखने ये सवाल आए तो कई बार कंफ्यूजन्स हो जाएंगे पर ये राइट आंसर है, पेंटिंग इज द फोरमोस्ट ऑफ ऑल आर्ट्स। फिर है आर इनकम्परेबल स्पेसिमेन ऑफ इंडियन आर्ट ऑफ पेंटिंग। इंडियन आर्ट ऑफ पेंटिंग की जब बात हो, इंडिया के पेंटिंग्स की बात हो, एंशियंट प्रिमिटिव पेंटिंग्स की बात हो, उसमें इनकम्परेबल जिसकी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकती है वैसे स्पेसिमेन कौन से है? साणा केव्स नहीं, एलिफेंटा नहीं, एलिफेंटा एंड सॉरी अजंता एंड एलोरा केव्स इनकम्परेबल स्पेसिमेन जिसकी कंपैरिजन किसी के साथ आप नहीं कर सकते, दे आर स्पेशल। एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जत कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी? जत कम्युनिटी, जाट नहीं, जत कम्युनिटी ऑफ एरिया, कौन से एरिया है कच्छ का? वो कच्छ, कच्छ के, कच्छ का कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ की जत कम्युनिटी एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए जानी जाती है? धोड़ाबीरा नहीं नहीं नहीं, खंभात वो तो अकीक के लिए जाना जाता है, वाइट डेजर्ट कच्छ, रणोत्सव के लिए जाना जाता है। बन्नी एरिया, कौन सा एरिया? बन्नी एरिया ऑफ कच्छ, याद रखो जत कम्युनिटी याद रखो, एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए जत कम्युनिटी कच्छ के बन्नी एरिया की जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मैच द पेयर, पेयर मिला
पैर मिलाने में एक बात आपको कान खोल कर याद रख लेनी है कि पैर मिलाने में कौन सी गलती नहीं करनी है। जिसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उसे सबसे पहले मिला दो। तो हमें पता है इनले वर्क के लिए बीकानेर जाना जाता है, झरी वर्क के लिए सूरत जाना जाता है। अब है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु तांजोर तो और पढ़ार डांस के लिए है सुरेंद्रनगर। समुद्र की लहरें जैसे चलती है वैसे उस फॉर्म में वो ये डांस करते हैं पढ़ार कम्युनिटी। सो दिस इज द राइट आंसर। फिर हु वाज नोन एज तूती हिंद। तूती का मतलब होता है पैरट। हिंद का मतलब भारत का, हिंदुस्तान का। पैरट किसे कहा गया है? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, जो म्यूजिक फील्ड में जिसका बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। कौन है वो? तानसेन नाना, ताना रीरी, गुजरात की ड्यूट गर्ल थी, जो गुजरात के म्यूजिक के फील्ड में हिस्ट्री ऑफ गुजरात बहुत ही बड़ा नाम। यहाँ है अमीर खुशरो। क्या नाम है? अमीर खुशरो। अमीर एक तो अमीर है और खुश भी है। अब है आइडेंटिफाई। इस तरह के सवाल आएंगे, याद रखो, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक। आइडेंटिफाई द टेक्स्ट ऑफ म्यूजिक। कौन सी ऐसी म्यूजिक का ग्रंथ है? याद रखो, आफ्टर रीडिंग द बिल ऑफ पॉइंट्स, नीचे ये पॉइंट्स दिए हैं, एक दो और तीन, ये तीन पॉइंट पढ़ के बताओ कि वो कौन से म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं। पंडित अहोबाले ने उस टेक्स्ट को लिखा 1665 में, नॉर्दर्न हिंदुस्तानी म्यूजिक के। पंडित अहोबाले, नॉर्दर्न हिंदुस्तानी म्यूजिक 1665। उसमें ये बताया गया कि हर जो राग है वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक है उसका, एक दूसरे राग से कोई लेना देना नहीं है। और उसमें 29 टाइप्स ऑफ ट्यून्स बताए गए। कौन से राग की बात है बताओ? मकरंद पंडित कोलर नारद ने लिखा है, इसलिए नहीं आ सकता। रत्नाकर पंडित आहोबाले ने नहीं लिखा है। पंडित आहोबाले ने लिखा है संगीत पारिजात। तो ये संगीत पारिजात की पूरी शॉर्ट नोट भी आपको यहाँ पे रहेगी दिमाग में। पारिजात, अहोबाले, 1665, नॉर्दर्न हिंदुस्तानी म्यूजिक, एवरी राग हैज इट्स ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, 29 टाइप्स ऑफ ट्यून्स। वी हैव एविडेंस ऑफ इंडियन आर्ट ऑफ पेंटिंग। इंडियन आर्ट ऑफ पेंटिंग के हमारे पास एविडेंस है, सबूत है हमारे पास। कितने साल पुराने हरप्पन कल्चर के सबूत है हमारे पास? कितने साल पुराने सबूत है? 5000 साल, 2-3 हजार नहीं, 5-4 साल। तब भी पेंटिंग हुआ करता हरप्पन कल्चर। नेक्स्ट 12, 1 आउट ऑफ द 4 वेद। 4 वेद है हमारे पास, यहाँ पे नाम है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। उसमें से एक वेद कंसिडर टू बी द एसोसिएटेड विद म्यूजिक, जो म्यूजिक के साथ जुड़ा है, जिसका नाम म्यूजिक के साथ जुड़ा है, वो कौन सा वेद है? अथर्व, साम, यस, यजुर्वेद, यज्ञ का वेद है, ऋग्वेद नहीं। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था, फर्स्ट वेद, चैप्टर 4 में आएगा ये सब। सामवेद इज कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद म्यूजिक। अब है नेम द 5 रागास ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के। 5 राग कौन से हैं मेरे भाई? 5 राग बताओ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के। 5 राग है, अब इसे पढ़ो। श्री राग है, सब में है। यहां है दुर्गा। दुर्गा कोई राग है ही नहीं। फिर है दीपक। मकरंद तो संगीत, मकरंद एक टेक्स्ट है, स्क्रिप्चर है, ग्रंथ है, वो नहीं है। फिर श्री दीपक हिंडोल मल्हार। मल्हार राग 5 राग में नहीं आता है। तो याद आप सिंपल रखो, श्री दीपक भाई है, उसकी पत्नी का नाम है हिंडोल, उसका एक बच्चा है मेघ, दूसरी बच्ची है भैरवी। श्री दीपक हिंडोल, मेघ, भैरवी, ये राइट आंसर। 5 क्लासिकल म्यूजिक के राग, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई और डिफाइन कुमिन। बोर्ड में पूछा गया सवाल है ये, कुमिन को डिफाइन करो। कुमिन किसे कहते हैं? पढ़ो ये चारों के चारी डेफिनेशन। प्लेटेड ग्रीन कलर का पेटीकोट, जिसे कुमिन कहा जाता है मणिपुरी डांस में, ये सही आंसर है। या फिर नैरो ट्राउजर और फ्रिल फ्रॉक अटायर, ये तो कथकली में आई थिंक पहना जाता है। मणिपुरी डांस जो हर एक ओकेशन और फेस्टिवल में करा जाता है उसे कुमिन कहते हैं, या फिर कथकली डांस में जो क्राउन पहनते हैं उसे कुमिन कहते हैं।
तो कुमिन है वो मणिपुरी डांस से जुड़ा है, इसलिए कथकली वाला तो गया। और मणिपुरी डांस जो हर एक ओकेशन फेस्टिवल में करा जाता है वो तो मणिपुरी डांस ही है, वो भी नहीं आएगा। ग्रीन कलर का पेटीकोट जो है उसे कुमिन कहा जाता है, ए इस राइडर, समझे बच्चे? यस, आगे बढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामा ऑफ पोएट कालिदास? कालिदास ने तीन ड्रामा लिखे हैं, उसमें से तीन यहां पे बताए गए हैं, उसमें से एक और भी जोड़ा गया है, और वो जो ड्रामा है यहां पे सवाल खास पढ़ना आप, ऐसा कौन सा ड्रामा है जो कवि कालिदास ने नहीं लिखा है इनमें से? वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामा ऑफ कवि पोएट कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, विक्रमोर्वशीयम लिखा है, चालुक्य अग्निमित्रम लिखा है, ये तीनों कवि कालिदास के हैं। हमारा यहाँ पे राइट आंसर है दूतवाक्यम। दूतवाक्यम कवि कालिदास ने नहीं लिखा है ना, तो किसने लिखा है दूतवाक्यम? आगे बढ़ो पहले। Which one of the following is not a drama of poet Bhas? Poet Bhas जो हुए उसने भी तीन ड्रामा लिखे, चौथा यहां पे ऐसे ही जोड़ दिया गया है आपको कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में, वो उनका नहीं है कवि भास का। तो कौन कौन से यहां कवि भास ने लिखा है? एक तो दूतवाक्यम कवि भास का है, आया यहां पे दूतवाक्यम किसने लिखा है? पोएट भास। पूर्वंगा पोएट भास ने लिखा, कर्णभार पोएट भास ने लिखा, ये देवासुर संग्राम जो है वो लिखा है भरत मुनि ने। भरत मुनि, आई बात समझ में? आगे बढ़ो। रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड आइडेंटिफाई द आर्ट। ये 4 पॉइंट पढ़ो और किस आर्ट के बारे में बात हो रही है वो पहचानो। पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, ये आर्ट के पास उतनी कैपेसिटी है टू एंटरटेन द पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप, हर एक चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो या औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, सबको एंटरटेनमेंट मिलता है। कौन से आर्ट में ट्राई हो? इसमें तीन चीज है, राइटिंग है, परफॉर्मिंग है एंड ऑडियो विजुअल एड्स भी है। कौन सा आर्ट है? अमलगमेशन ऑफ सारे आर्ट का यहाँ पे मिक्सचर है, देखा ना, लड्डू फूटा उनने, आया कुछ दिमाग में लॉजिक। और इस आर्ट के बारे में बताते हुए भरत मुनि ने कहा देर इज एक भी ऐसी बुक नहीं है, एक भी ऐसा स्कल्पचर नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई डीड नहीं है, कोई कर्म ऐसा नहीं है जो इस आर्ट में ना हो, मतलब सब कुछ है इस आर्ट में। पेंटिंग में सब कुछ नहीं है, वो हर एक को एंटरटेन नहीं करता। डांस में सब कुछ नहीं है, जैसे कि मुझे ही डांस नहीं आता, मुझे एंटरटेनमेंट नहीं मिलता। म्यूजिक नहीं, म्यूजिक के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सबको एंटरटेन कर सके। ये है ड्रामेटिक आर्ट। आई बात समझ में? ड्रामेटिक आर्ट। द नेम ऑफ इज द फॉरमोस्ट इन द ड्रामेटिक आर्ट ऑफ गुजराती। गुजराती ड्रामेटिक आर्ट में जिसका सबसे बड़ा नाम है देवारे देवारे अशेष ठाकर, वो भवाई से जुड़ा नाम है, जिसने शुरू करी थी 700 साल पहले। रंगला रंगली भवाई के कैरेक्टर है। जयशंकर सुंदरी, यस, जयशंकर सुंदरी जो है वो गुजराती ड्रामेटिक आर्ट का सबसे बड़ा नाम। अमृत नायक, वो भी गुजराती ड्रामेटिक आर्ट का ही नाम है पर सबसे बड़ा नाम नहीं है, ये नहीं आएगा। जयशंकर सुंदरी, जयशंकर सुंदरी। फिर डांस स्टाइल इज चीफली बेस्ड ऑन, ऐसी कौन सा यहाँ पे डांस है जो भगवान श्री कृष्ण की रासलीला और बाल लीला को रिप्रेजेंट करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की रासलीला और बाल लीला को रिप्रेजेंट करने वाला आर्ट कौन सा है बेटा? कथक में भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की जो स्टोरीज है वो दिखाई जाती है कथक में, इसीलिए अब कथक नहीं आएगा। कुचिपुड़ी नहीं, मणिपुरी में तो आ सकता है, कथकली नहीं, मणिपुरी। मणिपुरी डांस में जो है वो भगवान श्री कृष्ण की रासलीला और बाल लीला का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है मणिपुरी डांस या कुमिन जिसमें आता है मणिपुरी डांस। द ओरिजिनेटर ऑफ डांस, डांस के ओरिजिनेटर, डांस के भगवान, डांस के देव कौन है भाई? डांस के देव बताओ तो नटराज, यस, भगवान शिव को नटराज कहा जाता है। तो शिव, दो ऑप्शन सही है, विष्णु तो नहीं है, भगवान विष्णु नहीं है, तो ये डी ऑप्शन भी पढ़ना मत भूलियो भाई, ए एंड बी बोथ, मतलब ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है।
कौन सा डी सबसे पहले पढ़ लिया नॉट राइट टिक 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 पर यार आगे तो पढ़ो लिखा है ऑप्शन डी में चारो डांस इज द डांस ऑफ ये चारो जो डांस है वो कौन सी कम्युनिटी का डांस है बताओ पठार कम्युनिटी पठार डांस करती है कोड़ी कम्युनिटी कोड़ी डांस करती है भील कम्युनिटी भील टिप्पणी डांस करती है ट्राइबल कम्युनिटी का डांस है चारो डांस ट्राइबल कम्युनिटी ठीक है मैश्ड पैर में हम जानते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो सबसे पहले करो मुझे पता है ये धमाल डांस है वो जांबूर गिर का डांस है सीधी लोग करते हैं जैसे ठीक है फिर पठार कम्युनिटी जो है वो समुद्र की लहर है मतलब समुद्र का सा सुरेंद्रनगर का भी सा तो डी कोड़ी डांस जो है कोड़ी कम्युनिटी वो सौराष्ट्र की है सी और मेरा डांस बनासकांठा बोर्ड में पूछा गया सवाल है मेरा डांस इज द डांस फॉर्म ऑफ बनासकांठा सुरेंद्रनगर साबरकांठा तो मेरा डांस बनासकांठा आपको याद रखना है मेरा डांस बनासकांठा MB पठार कम्युनिटी सुरेंद्रनगर आगे सा रे गा मा पा द नी कितने हुए सात 7 वोवेल्स ऑफ म्यूजिक है वोवेल्स है यदि यहाँ वोवेल्स है तो सही है ट्रू है पर यदि यहाँ पे ऐसा कह दे कि राग है सात राग है ये तो राग नहीं है गलत है ये वोवेल्स है राग 5 है दीपक हिंडोल मेघन भैरवी याद रखें फर्स्ट ड्रामा ऑफ भरत मुनि का सबसे पहला ड्रामा कौन सा था भरत मुनि ने कई सारे ड्रामास लिखे उसमें से सबसे पहला ड्रामा कौन सा लिखा तो वो है भरतनाट्यम ना वो तो डांस स्टाइल है देवासुर संग्राम यस भरत मुनि का सबसे पहले लिखा हुआ ड्रामा देवासुर संग्राम नाट्य शास्त्र भी लिखा पर वो सबसे पहला नहीं है यहाँ पे आया डी अब यहाँ पे ये सवाल पढ़ो आप आराम से हर सर एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लासिकल डांस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं सर किसके बारे में क्लासिकल डांस के बारे में तो ही टोल्ड स्टूडेंट्स को हर सर ने बताया मतलब मैंने बताया कि कोई एक डांस के बारे में बताया अब रीड द फॉलोइंग नीचे के पॉइंट्स पढ़ो और बताओ कि सर ने कौन से डांस के बारे में बताया तो पॉइंट्स हम पढ़ते हैं ये जो डांस है सर ने बताया कि श्रृंगार भक्ति और वैष्णव कम्युनिटी के साथ डेवलप हुआ ये डांस जो है वो वैष्णव कम्युनिटी जो है उसका जो श्रृंगार भक्ति है उसके साथ ये डेवलप हुआ दूसरा यहाँ पे डांसर जो है वो एक पैर पे घूमते हैं राउंड 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 और डांस का रेफरेंस देते हैं वुमेन जो है वो नैरो ट्राउजर पहनती है फ्रॉक पहनती है कौन सा डांस होगा कथन करे सो कथक कहा कथक ठीक है कथक इज द राइट आंसर कथक कली नहीं मणिपुरी में कुमिन आता है यहाँ पे फ्रॉक फ्रॉक नहीं पहनते कुचिपुड़ी नहीं राइट अब आगे वो व्रॉट गरबा गरबी किसने लिखा गुजरात के गरबा गरबी लिखने वाले पोएट का नाम बताओ बेटा नरसिंह मेहता खो मीराबाई नहीं दयाराम मैच द पेयर यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हैं देखो सबसे पहले कॉन्फिडेंट आप किस में हो उसमें जाओ बोलो बच्चा क्या होगा संगीत मकरंद जो सबसे पहला संगीत का ग्रंथ है 3 टेक्स्ट दी गई है हमारी टेक्स्ट बुक में सबसे पहला है संगीत रत्नकार संगीत मकरंद लिखा है पंडित नारद ने यहाँ पे 1 नंबर मतलब वन के सामने बी है 2 में है इसमें तो मैं कॉन्फिडेंस हूँ और सबसे लास्ट वाला संगीत पारिजात लिखा है पंडित अहोबाले ने 3 के सामने सी होना चाहिए यहाँ पे है बस हो गई बात खत्म डी टू के सामने डी संगीत रत्नकार सारंगदेव ने लिखा बस पंडित नंदीकेश्वर ने लिखी है अभिनव दर्पण ठीक है जो भरतनाट्यम का बेस ग्रंथ है तो डी आंसर इज राइट 4 टॉकेटिव स्टूडेंट्स ऑफ फालतू स्कूल हमारी एक स्कूल खुली है जिसका नाम है फालतू स्कूल वहाँ फालतू के स्टूडेंट्स आते हैं
उसमें से चार बहुत ही बातें करने वाले टोकेटिव स्टूल्स, चेकर बॉक्स, आप जानते हो ना इसे कहा जाता है इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ते हो चेकर बॉक्स, वो डिस्कस कर रहे थे म्यूजिक के बारे में। उसमें थे से कौन चार है, एक कमलेश है, एक विकी है, एक रिया है और एक क्रीमा है। उसमें से एक रॉन्ग है म्यूजिक के बारे में जो बात कर रहे थे, उसमें से एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। कौन सा रॉन्ग है? कमलेश ने क्या बताया, इंडियन म्यूजिक जो है वो यूनिक है वर्ल्ड में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्यून, रिदम एंड हारमोनी, तीनों से हमारा म्यूजिक वर्ल्ड के म्यूजिक से अलग पड़ता है। कमो इज राइट, तो हमें गलत ढूंढना है ना, विच वन इज रॉन्ग, रॉन्ग ढूंढना है। ऋग्वेद इज कंसिडर्ड टू बी द एसोसिएटेड विद म्यूजिक, ऋग्वेद जो है वो म्यूजिक से जुड़ा ग्रंथ है। गलत, सामवेद है म्यूजिक से जुड़ा ग्रंथ, तो विकी इज रॉन्ग। रिया ने कहा म्यूजिक इन्वॉल्व्स बोथ, म्यूजिक में सिंगिंग भी आता है, प्लेइंग भी आ जाता है, मतलब गाना भी है बजाना भी है, सही है। क्रीमा ने कहा म्यूजिक है सेवन वोवेल, सात वोवेल है सारे गामा पा धा नी, सही है। मतलब हमें गलत ढूंढना है, तो ये ढूंढ लिया हमने विकी वाला। नेक्स्ट, हमारे एंशियंट लिटरेचर में कितने आर्ट्स के बारे में रेफरेंस बताया, 64। द लाइन कथन करे सो कथक कहावे, जिसमें कुछ कहा जाता हो डांस करते करते कथक कहे, इज रिलेटेड टू कथक डांस से जुड़ा है ये, सही है। स्क्रिप्ट राइटर्स ने ये कहा कि भवाई जो है वो कंपेशन ओरिएंटेड ड्रामा है, सही है गलत बोलो, कंपेशन ओरिएंटेड ड्रामा है भवाई, नहीं 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 कंपेशन ओरिएंटेड नहीं है, तो इमोशन ओरिएंटेड है, इमोशन होता तो सही होता, ये यहाँ पे फॉल्स है। ये इंग्लिश के और सोशल साइंस के जो हमारे गुजरात बोर्ड की है उसके सारे चैप्टर्स, उसके शॉर्ट रिवीजन के चैप्टर्स, उसकी टेस्ट पेपर्स, सारे वीडियोस, सारी चीज़ें, रिवीजन वाली चीज़ें, मेरी एप्लीकेशन हर बार से मैं आपको मिलेगी। मेरा जो यूट्यूब में यहाँ पे जो नाम है ना जेनुरा, वही है प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, मेरा नंबर यहाँ पे है, तो मैं आपको ऐप स्टोर की लिंक भेज दूंगा कि कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एकदम सस्ते में आपको कोर्स मिल जाएगा जिसमें सारी तैयारी आपको घर बैठे बैठे हो जाएगी, तो जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। हर्ष बरस एप्लीकेशन इज मस्ट फॉर यू। इट डिस्क्राइब्स 101 टाइप्स ऑफ वीणास एंड 19 टाइप्स ऑफ वीणास इन संगीत मकरंद। संगीत मकरंद में 101 टाइप की वीणा बताई गई है और 19 टाइप के, दोनों वीणा वीणा ही है, मतलब गलत है ये, क्योंकि 19 टाइप की वीणा है, मतलब ये गलत है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की बात है, उसमें एलिफेंट, राइनोसोरस, डीर, ये नोटेबल पेंटिंग ऑफ प्रिमिटिव मैन के, इनके पेंटिंग्स जो है वो बहुत ही पुराने हैं, प्रिमिटिव मैन जो पहले रहते थे उन्होंने बनाए हुए, मध्य प्रदेश की बात है, सही है, ट्रू है ये। फिर नेक्स्ट है 34 में, इंडियन म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू टू पार्ट्स, इंडियन म्यूजिक को दो पार्ट्स में बांटा गया है, क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक, सही है, क्लासिकल फोक म्यूजिक डिवीजन एकदम करेक्ट है। 35 में जो नृत्य वर्ड है ना, नृत्य वर्ड वो कहाँ से लिया गया है, ओरिजिनल संस्कृत वर्ड जिसका नाम है नृत्य, नृत्य ओरिजिनल जो संस्कृत वर्ड है वहां से लिया गया ये वर्ड है, ट्रू है, सही है, एकदम सही है, कोई गलत नहीं है। तो ओरिजिनेटर ऑफ ओरिजिनल भरतनाट्यम कहाँ से है, तांजोर जो एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहां से है भरतनाट्यम, सही है, कोई गलती नहीं है। रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ डांस, नीचे के पॉइंट्स पढ़ो और कौन सा डांस है वो बताओ मेरे भाई, कौन से डांस के बारे में बात करी गई है मेरे बच्चे। इट इज दिस स्टाइल ऑफ डांस वॉज क्रिएटेड इन 15th सेंचुरी में, ये डांस को क्रिएट करा गया था 15th सेंचुरी, याद रखना है एक पॉइंट, जिसमें वीमेन्स की ब्यूटी के बारे में बात करी गई है, दूसरा पॉइंट। और राजा रेड्डी जो इस डांसर के, मतलब बहुत ही आगे वाला नाम है, इस डांसर को प्रिजर्व रखा और दुनिया में इसका नाम कर दिया। और ये खास बात ये है कि ये जो डांस है वो आंध्र प्रदेश का है,
आंध्र प्रदेश का डांस कौन सा है बताओ? कुचिपुड़ी। यस, आंध्र प्रदेश मतलब कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम नहीं है, वो तमिलनाडु में है। कथकली वो केरल का है। कथक के बारे में हमने पता है कि वो 15th सेंचुरी ऑफ वुमेन्स की ब्यूटी के बारे में बात नहीं करता है, वो श्री कृष्ण भगवान और गोपियों के कहानियों के बारे में बात करता है, बराबर। ये भी नहीं है। नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा और अभिनव दर्पण जो नंदिकेश्वर ने लिखा, वो ओरिजिनल सोर्स है। कौन से डांस फॉर्म के ओरिजिनल सोर्स है ये दोनों बुक्स, नाट्य शास्त्र एंड अभिनव दर्पण? वहां से कौन सा डांस लिया गया है? तो कोई ग्रंथ लिखा हो उसमें से कोई डांस लिया गया हो, वैसे दो नाम भरतनाट्यम में आते हैं। ये भरतनाट्यम इज द राइट। दूसरा भी है कि आपको कथकली जो है, कथकली में भी रामायण और महाभारत के जो मिक्स ड्रामा से संस्कृत, वहां से वो कथकली लिया गया है। ठीक है, अब ये चित्र जो है, पिक्चर जो है, उसे देखो और पहचानो कि कौन से डांस के बारे में बात हो रही है। इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं ना मेरे भाई। हाँ, हमने आपके लिए बनाया ये। तो ये भरतनाट्यम है। फिर इससे भी पहचानो। पहचान कौन? ये जो डांस है वो है मणिपुरी डांस। कौन सा? मणिपुरी डांस है। पिक्चर याद रख लेना। और एक है, इसे भी देखो और पहचानो कि कौन सा डांस है। ट्राइबल डांस है, पठार डांस है, टिप्पणी डांस है, धमाल डांस। सीधे का फोटो कोई जगह पे है नहीं, पठार कम्युनिटी का भी नहीं है, टिप्पणी का भी नहीं है, ट्राइबल डांस है ये। कौन सा है? ट्राइबल। अ चाइल्ड, एक बच्चा जो अपने मम्मी पापा से, अपने पेरेंट्स से फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक पाता है, वो कौन सा इनहेरिटेंस कहा जाता है? कौन सा? तो उसे कहा जाता है जीनेटिक। कल्चरल तो हमारे पूर्वज से मिलता है, नेचुरल प्रकृति हमें देती है, मटेरियल में क्या आता है वो अभी आएगा। हाउस है, घर है, प्रॉपर्टी है, आपके पापा आपके आपको 50,000 करोड़ डॉलर पाउंड की प्रॉपर्टी आपके पीछे छोड़ के, आपके पीछे नहीं, अपने पीछे छोड़ के जाते और आपको दे जाते हैं। वो सारी जो प्रॉपर्टीज है वो विरासत कौन सी कही जाती है? वो हेरिटेज कौन सा है? वो है मटेरियल हेरिटेज। जेनेटिक में फिजिकल और मेंटली कैरेक्टरिस्टिक आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। 44, नीचे के पॉइंट्स पढ़ो और जस्टिफाई करो वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। ये एकदम नया फ्रेश पैक्टी पैक सवाल है। आजकल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस तरह के सवाल आते हैं, तो आपको भी हो सकता है कि आए बोर्ड, तो स्पेशली मेड फॉर यू। ये दो पॉइंट्स पढ़ो और बताओ कि सही है कि गलत है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे है, पहले पढ़ लो। व्हाटएवर मैन, जो भी इंसान है वो आइदर वो मतलब उसे मिलता है या फिर वो खुद क्रिएट करता है, कैसे अपने इंटेलेक्चुअल और स्किल से, उसे कल्चरल हेरिटेज कहा जाता है। एक पॉइंट। दूसरा, अपनी ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिचुअल, स्पेशल टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल जो है वो हमारे एंसेस्टर्स ने जो अडॉप्ट करी थी वो भी कल्चरल हेरिटेज कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है वो सही है, दोनों गलत है, दोनों सही है, नंबर एक सही है, नंबर दो सही है, बताओ। You have to take time. ये दोनों कल्चरल हेरिटेज की डेफिनेशन सही है, दोनों सही है। चैप्टर 1 और 2 में दोनों में ये हमने पढ़ा है। तो बोथ आर ट्रू। ठीक है, 45, सिल्क वेयर जिसे बेवड इक्त कहा जाता है, और इसमें एक बात ये भी जान लो, इक्त का मतलब होता है वीविंग। क्या? जो पाटन में प्रोड्यूस होता था उसे पटोड़ा और पाटन कहा जाता है। सही है। अब द वर्ल्ड फेमस डायमंड जो कोहिनूर, वर्ल्ड फेमस दूसरा डायमंड जिसका नाम है ग्रेट मुगल, वो इंडिया से मिले हुए थे, ओनली इंडिया से। ट्रू है भाई। अब है, ये माना जाता है कि बिलीव टू बी अ यूनिक इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक, के सारे एस्पेक्ट को यदि आपको समझना है, म्यूजिक हर एक पार्ट को आपको यदि समझना है, तो कौन सा म्यूजिक आपके काम में आएगा बताओ? सामवेद नहीं है। सारे म्यूजिक के पार्ट्स को समझने के लिए सामवेद के बारे में कुछ टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। संगीत मकरंद पंडित नारद ने लिखा है। 29 टाइप्स ऑफ वीणा वगैरह जो है, 101 टाइप ऑफ रिदम्स है,
पारिजात अहोबलन लिखा नहीं, संगीत रत्नकार जो है वो यूनिक है म्यूजिक हर एक एस्पेक्ट को समझने के लिए। आइडेंटिफाई द डांस फॉर्म, ये पढ़ के बताओ कि कौन से डांस फॉर्म की बात है। केरला का फेमस डांस, कैरेक्टर जो है ब्यूटीफुल प्लेटेड अटायर पहनते हैं, वो आर्टिस्टिक क्राउन पहनते हैं, और उस डांस में पोएट वल्लथोड़ ने बहुत ही बड़ा नाम कमाया है उसका। डांस है कथकली, कथन करे सो कथक कहावे ना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, ये केरला का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, वो भी नहीं आएगा। कथकली, हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये नीचे का स्टेटमेंट कौन बोला था? There is no book, there is no sculpture, there is no knowledge, there is no deed which is lacking in dramatic art. में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ना हो, everything is there, हर एक चीज है। असित ठाकर ने कहा था ना, ये वो तो भवाई से जुड़ा नाम है, जयशंकर सुंदरी गुजराती ड्रामेटिक आर्ट में बड़ा नाम है, भरत मुनि ने यह कहा था, नंदिकेश्वर ने नहीं, भरत मुनि ने यह कहा था, भरत मुनि। वाइल डांसिंग, जब वो डांस करते हैं तो सी वेव्स जैसे सीन्स क्रिएट करते हैं, जैसे सी वेव्स के ऊपर कोई शिप जा रहा हो वैसे सीन क्रिएट करते हैं। आइडेंटिफाई द कम्युनिटी ऑफ दिस डांस, कौन सी कम्युनिटी ऐसे डांस करते हैं? मैंने कहा था सुरेंद्र नगर, सी वेव्स याद रखो, और सुरेंद्र नगर की एक ही कम्युनिटी है पठार कम्युनिटी, ये धमाल डांस से जुड़ा नाम है। ठीक है, 51 लास्ट, वी हैव 5 मेन राग क्लासिकल म्यूजिक में, हमारे पास 5 मेन राग है, श्री दीपक हिंडोल मेघ भैरव, और ये सब माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट ऑल दीज राग, ये सारे राग कहां से आए हैं, ओरिजिनेटर कौन है उनके, सामवेद से ना, क्लासिकल म्यूजिक के नहीं, उसके तो ये राग है, फोक म्यूजिक के नहीं, भगवान शिव के 5 मुख जो थे, 5 माउथ्स ऑफ लॉर्ड शिव, पंचमुख लॉर्ड शिव, वहां से ये सारे इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये 51 जो ऑब्जेक्टिव है वो खत्म, अब यहां है आपके सामने सेक्शन बी के 2 मार्कर मोस्ट टाइम बी क्वेश्चंस। चलो, सबसे पहला सवाल है यहां आपके सामने, मैन एंड क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एंशिएंट टाइम्स, से मिट्टी और इंसान जुड़े हुए, गिव रीजंस, चैप्टर शुरू होता है उसमें फर्स्ट पेज पे ही है, क्ले आर्ट के बारे में शॉर्ट नोट लिखे थे, पड़ी पटोरे भात फाटे पर फिटे नहीं, आपको लगता है ये तो गुजराती आ गया, गुजराती में बोर्ड ने पूछा हुआ है ये सवाल गुजराती में, ये पड़ी पटोरे भात फाटे पर फिटे नहीं, उसे एक्सप्लेन करो, समझाओ, मतलब पाटन के पटोड़ा पटोड़ा जो है उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखे। ये भी बोर्ड का पूछा हुआ सवाल है, जिसमें कैरेक्टर है रंगला रंगली, जो गर्ल्स एजुकेशन सेव गर्ल चाइल्ड जैसे प्रोग्राम्स को प्रमोट करते हैं, इन विच टाइप ऑफ ड्रामा, कौन से ड्रामा की बात हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है यहाँ पे भवाई की, आपको कौन सी शॉर्ट नोट लिखनी है, भवाई के बारे में। ठीक है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट गरबा गरबी ऑफ गुजरात, इनफ, आपको जो भी ये 2 मार्क के सवाल है ना, 2 मार्कर, 6 पॉइंट्स मिनिमम लिखने, यदि आप 6 पॉइंट्स लिख देते हो तो आपको 2 out of 2 आ सकते हैं, सही लिखा हो तो, कई सारे स्टूडेंट्स को बोर्ड्स में दिए जाते हैं। ये फिर है, लेदर वर्क इज अ वेरी ओल्ड आर्ट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन द स्टेट, फिर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन म्यूजिक के बारे में, इंपॉर्टेंट है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट भरतनाट्यम, इंपॉर्टेंट, लास्ट एक्सप्लेन द प्रोग्रेस ऑफ डांसिंग आर्ट इन इंडिया, 8 इंपॉर्टेंट सवाल है चैप्टर 2 से, ये आपको आते हैं तो आगे आप दूसरे सवाल पढ़ सकते हो, रट सकते हो, बाय हार्ट कर सकते हो, पहले ये करो। ठीक है, इसी के साथ हर्ष बार से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कोर्स बाय करो, आपको उसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, आते रहेंगे हम, मिलते रहेंगे यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कॉमेंट कर दो, खास कैसा लग रहा है। ठीक है, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, जय जय भारत, वंदे मातरम।